चार साल की ये बच्ची आज स्कूल जाने के लिए नहीं, पानी भरने के लिए निकली है। मुंबई में ये भीमनगर बस्ती है। कई बच्चे अपने घरों के लिए पीपो और बाल्टियों में पानी भर कर लाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है रोड के बीच में जो पाइपलाइन रहता है उसको भी खोल के एक छोटे डब्बे अंदर डाल के पानी उसमें से निकाल के भर के लाते हैं। और माँ बाप भी कई दिन ऐसे समय आ जाता है माँ बाप के पास, बेटा आज स्कूल मत जा, आज पानी बिल्कुल नहीं है, तो पानी भर ले। क्योंकि माँ बाप का जो है, कोई गटर का काम करता है, कोई ड्राइविंग काम करता है, कोई जो घर में काम करने हो वो भी जाते हैं काम। लेकिन इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है कि बच्चे का जो भविष्य है ना, वो पूरा इस पानी के चक्कर में नाश हो रहा है। भाभी भाजी दो ना। जय माटी पेंटर हैं। यहाँ करीब 200 झुग्गियाँ हैं, उनमें से एक झुग्गी में वो रहते हैं। 1950 के दशक में बनी ये झुग्गियाँ सर्विस सेक्टर के लोगों का ठिकाना बनती हैं। इनमें क्लीनर होते हैं, क्लर्क और मजदूर जैसे लोग जो शहर के विकास अभियानों का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के करीब 20 लाख बाशिंदों को पानी मुहैया नहीं है। उन्हें ज्यादा विकसित इलाकों के लोगों से पानी खरीदना पड़ता है। चालीस साल की वंदना जेवियर को पानी लाने के लिए रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना होता है। जैसा बहुत लंबा रास्ता है तो एक बार छोटा छोटा बर्तन में नहीं ला सकते हैं, तो 15-15, 20-20 लीटर के जो गैलन रहते हैं या बिस्लेरी के जो डब्बे बड़े बड़े रहते हैं वो हमको सर पे या ऐसे हाथ से उठा के लाना होता है। वो ऐसे एक दो बार नहीं होता है, उसको लिए हमको 7-8 बार लाएंगे तो हमको उतना पानी जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी में लगता है वो हमें मिलेगा। मैं गिरी भी हूँ या प्रेग्नेंट थी तो बहुत लंबा से वो गैलन उठा के लाना है तो स्लीप हो गया है, ऐसा भी मेरे साथ हादसा हुआ है। 19वीं सदी में उद्योगों के तेज उभार और कपड़ा इंडस्ट्री के आए बूम ने मुंबई को एक कमर्शियल हब बना दिया। दूसरे शहरों, कस्बों और गांवों से बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ। शहर की आबादी में भारी उछाल आया। जो झुग्गियां देख रहे हैं वे आज भारत की वित्तीय राजधानी में गैर बराबरी का बड़ा प्रतीक बन चुकी हैं। रिटायर्ड डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीकांत अरगड़े बताते हैं कि इन बस्तियों में पानी की किल्लत की जिम्मेदार पुरानी हाउसिंग नीतियां हैं। वाटर सप्लाई से जुड़े बायलॉज 19वीं सदी से चले आ रहे हैं, उनमें इन झुग्गी झोपड़ियों के बारे में सोचा ही नहीं गया था। समस्या इन गैर कानूनी या असंगठित बस्तियों पर रोक लगाने की थी। स्लम्स के लिए कट ऑफ डेट थी। 1980 के बाद नियम आया कि कोई स्लम बना तो उसे वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी। ये तारीख 1985 तक बढ़ी, फिर 1995 तक और आखिर में 2001 तक। 2001 के बाद इन झुग्गियों की कोई वैधानिकता नहीं रह गई थी। अधिकारियों को उम्मीद थी कि पानी और प्लम्बिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते ये बस्तियां रहने लायक नहीं रहेंगी और आखिरकार गायब हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आजकल लोगों को पानी का हक दिलाने के लिए यहाँ एक समूह सक्रिय है। 2012 में पानी हक समिति नाम के संगठन ने बम्बई हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली। इसमें स्लम्स को पानी देने की सरकारी मनाही हटाने को कहा गया था। 2 साल बाद कोर्ट ने नागरिक अधिकार को बहाल करते हुए कहा कि गैर कानूनी कहे जाने वाले घरों को भी पानी का हक है। इन 15 दिसंबर 2014 15 दिसंबर 2014 के कोर्ट के फैसले में दो ऐतिहासिक बातें हैं। एक तो कोर्ट ने ये माना कि पानी का अधिकार जीने के अधिकार की पूर्व शर्त है। दूसरी बात ये है कि पीने का पानी मुहैया कराना शहर प्रशासन की जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट।
सीताराम शेलार पानी हक समिति के सह संस्थापक हैं। वो स्लम के लोगों और ग्रेटर मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के बीच संपर्क बनाने का काम करते हैं। 60 लोग संगठन के साथ वॉलंटियर के रूप में जुड़े हैं और साफ पानी के हक के लिए दूसरे लोगों को शिक्षित करते हैं। हम इन सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि पानी के कनेक्शन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन से कागज लगेंगे और इंजीनियरों से क्या कहना है, फीस कहाँ जमा करानी है और अर्जी का फॉलो अप कैसे लेना है। फिर ये वॉलंटियर न सिर्फ अपनी अर्जियों का बल्कि और लोगों की अर्जियों का भी ध्यान रखते हैं, उनकी मदद करते हैं। अब तक इस समूह ने मुंबई के उपनगरों में 10,000 लोगों को नल से मिलने वाले पानी का कनेक्शन दिला दिया है। उन्हीं में से एक थी वंदना जेवियर। उन्होंने तब 5 अन्य परिवारों को पानी की सप्लाई दिलाने में मदद की थी। गवर्नमेंट से हो और हर कोई ये खुद का चीज चाहता ही है, मेरा पानी हो, मेरा लाइट हो, खुद का ये हर और मेरा एक घर खुद का होना ही चाहिए। तो पानी हक समिति बहुत ही जरूरी है सभी बस्तियों के लिए। पेंटर जय माटी भी पानी हक समिति से जुड़े हैं। उन्होंने पानी के कनेक्शन की 400 एप्लीकेशंस आगे बढ़ाने में मदद की है। वो अपनी बिरादरी की मानसिक और शारीरिक सेहत में सुधार देखते हैं। मुंबई के लाखों लोगों के पास अब भी पानी का कनेक्शन नहीं है। इस बीच शहर आने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। उनका पानी का हक कानूनन तो मान्य हो गया है, लेकिन उन्हें इंतजार है खुद के कनेक्शन का।